तो दोस्तों आप भी बनाना चाहते हैं इस तरीके से जो है वेज मंचूरियन, इस वीडियो को जो है प्रॉपर देखिए बिना स्किप करे हुए, बिना किसी देरी के करते हैं इस वीडियो को फटाफट स्टार्ट। दोस्तों इसके लिए जो है मैंने एक पत्ता गोभी लिया है और उसको मैंने छोटा छोटा जो है काट लिया है, और इसमें जो है तकरीबन 5 मिनट पहले मैंने नमक डालकर छोड़ दिया था जिससे कि इसका जो है पानी छोड़ दे। तो हम इसमें से जो है पानी निकाल के इसको जो है साइड कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे आधा कटोरी शिमला मिर्च जो कि मैंने पहले से जो है काट लिया है, और आधा मैं बचा लूँगा ग्रेवी के लिए, आधा कटोरी कटा हुआ प्याज इसको भी हम आधा बचा लेंगे ग्रेवी के लिए, आधा कटोरी जो है कटा हुआ हरा प्याज जो कि इसको भी हम बचा लेंगे ग्रेवी के लिए, 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ जो है हरी मिर्च जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, थोड़ा सा जो है कटा हुआ धनिया, 1 चम्मच रेड चिली, 1 चम्मच ग्रीन चिली, 2 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच विनीगर, आधा चम्मच अजीनोमोटो, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, ये छोटा चम्मच है, मिर्च जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, 2 चम्मच इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, और इसमें 2 से 3 चम्मच जो है हम डालेंगे मैदा। कॉर्नफ्लावर और मैदा का जो है क्वांटिटी आप मिक्स करने के बाद आप डाल सकते हैं, क्योंकि गीला अगर ज़्यादा गीला होता है तो आप इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ मैं, एक्चुअली नमक मैंने पहले ही इसमें ऐड कर दिया था तो नमक मैं ज़्यादा डालूँगा, नमक जो है आप अपने स्वाद अनुसार रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो है इसको हम मिक्स कर लेंगे, दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आप मैदा और कॉर्नफ्लावर को जो है थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे जो लग रहा है ये थोड़ा सा गीला है तो इसमें जो है थोड़ा मैं मैदा और ऐड कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हम जो है थोड़ा सा तेल लेंगे और अपने हाथों पे जो है इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे जिससे कि हम बॉल बनाते टाइम पे ये चिपके नहीं, और जो है बॉल का साइज़ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं छोटा बड़ा, तो मैं जो है इस साइज़ का बना रहा हूँ। देख सकते हैं इस तरीके का जो है बॉल बना के हम रख लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पे, गैस कर लिया हमने ऑन और फ्लेम रखेंगे हाई, और हमने चढ़ा दी एक कढ़ाई और इसमें ऐड करेंगे जो मस्टर्ड ऑयल, ऑयल की मात्रा इतनी रखेंगे कि जो है फ्राई करना है हमें, तो इसको जो है हम हीट होने देंगे और उसके बाद में ही जो है हम इसमें ऐड करेंगे मंचूरियन। इसके बाद दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं ये मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना लिए इसमें, तो इसको जो है मैं डालता हूँ। और उसी तरीके से जो है हम इसको भी इसका भी फ्लेम लो कर देंगे, लो करके पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। चलिए इसको जो है निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है हमारे बॉल्स जो है बनके तैयार हो चुकी है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पे, जिसके लिए जो है मैंने एक पैन चढ़ा लिया है और दोस्तों इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है मस्टर्ड ऑयल। दोस्तों ये ग्रेवी जो है मैं 8 से 10 बॉलों के लिए अभी बनाने जा रहा हूँ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। इसके बाद इसमें जो है हमने कटे हुए जो हमारे प्याज थे बचे हुए उसको हम ऐड करेंगे।
प्याज को हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है। इसके साथ ही ऐड करेंगे इसमें शिमला मिर्च, ग्रीन ऑनियन, कटे हुए मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको जो है थोड़ी देर हम पकाएंगे। दोस्तों आप जो इसमें और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, आपको जैसा नीड जैसे ज़रूरत हो उसके अनुसार जो है इसमें और भी सब्जी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच रेड चिली, एक चम्मच ग्रीन चिली, एक चम्मच विनीगर, एक चम्मच सोया सॉस, थोड़ा सा अजीनोमोटो, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च। इसके बाद दोस्तों हम जो है इसको मिक्स करेंगे। ये ध्यान रखना हमें जो है सोया सॉस को और जो है सॉसेस को जो भी हमने डाला उसको पकाना नहीं है ज़्यादा। जैसे ही हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसमें हमें पानी जो है ऐड करना है। थोड़ा सा इसमें जो है पानी हम ऐड कर देंगे। दोस्तों इसमें जो है पानी की मात्रा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर मंचूरियन आपको जो है बिल्कुल सूखा पसंद है तो आप पानी कम डाल सकते हैं, और आपको जो है सूप टाइप का पसंद है तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग पानी इसमें रख सकते हैं। तो अभी जो है मेन हमारा काम इसमें बाकी, आप देख सकते हैं इसमें वेजेस वगैरह जो है किस तरीके से पानी जो है बिल्कुल पतला हो रहा है। तो इसके लिए जो है हमने कॉर्नफ्लावर जो है इस तरीके से दो चम्मच डाल के हमने पानी में घोल लिया। इसको थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे दोस्तों, जैसे जो है कॉर्नफ्लावर इसमें डालेंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, और डाल के हम कॉर्नफ्लावर डाल के इसको थोड़ा सा हम चलाएँगे। हमें जितना थिक रखना है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। जितना ज़्यादा इसमें ऐड करेंगे वो उतना ही थिक होता रहेगा। अगर ज़्यादा थिक हो जाता है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसमें हमने लगभग सब कुछ ऐड कर लिया है, बस एक मेन चीज़ जो है बाकी है वो है नमक, जो कि हम अपने स्वाद अनुसार इसमें डाल लेंगे। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी जो है ये गाढ़ा है। इसमें थोड़ा सा पानी जो है मैं ऐड करूँगा। तो दोस्तों ये जो है तैयार हो चुका है, इसमें बॉल्स ऐड कर देते हैं। तकरीबन मैंने जो है इसमें 12 बॉल्स जो है ऐड करा है। तो दोस्तों ये जो है हमारा मंचूरियन बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। जो है थोड़ा सा हम धनिया पत्ती की जो है गार्निश कर देंगे, और इसके बाद में जो है हम इसको सर्व कर सकते हैं।